गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 कोप्लानर फोर्सेस में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस पी व्हेन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी और सेकेंड केस पी बाय टू। मतलब दो समान बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए यदि इनका परिणामी हो, आपको पहला दे रखा है पी और सेकेंड केस में दे रखा है पी बाय टू। तो इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि दो समान बलों, तो समान बल मीन्स ए भी हम पी के इक्वल ले रहे हैं और बी भी पी के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। और इस केस में हमें फर्स्ट केस में जो परिणामी यानी रिजल्टेंट का मान कितना दे रखा है पी, इसलिए मैंने R इज इक्वल टू पी लिखा। अब हम एक डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि दो फोर्सेस और उनका रिजल्टेंट है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स पे बेस्ड हो गया क्वेश्चन, यानी बल समांतर चतुर्भुज नियम पे। अब आपने A को P से दर्शाया, ये B दूसरी भुजा को भी अपने P से दर्शाया और उसके परिणामी को भी R यानी P से दर्शाया। अब हमने ये ले लिया कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है थीटा, दो बलों के बीच का कोण है थीटा, जो कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है कि दो समान बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली हमें थीटा निकालना है। अब मैंने इसके अंदर ये देखिए, आपने R इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला पुट किया बल समांतर चतुर्भुज नियम का, जो कि होता है अंडरहुड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे पी पी है, क्यू भी पी है, तो पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस थीटा और रिजल्टेंट भी दे रखा है आपको पी। तो यहाँ से अंडरहुड आप साइन हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वही क्या है पी स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय पी, तो टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप टू पी स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे पी से पी कैंसिल हो गया, हाफ इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा आपका आ गया हाफ माइनस वन मीन्स माइनस वन बाय टू, तो कॉस थीटा आपका हो गया माइनस वन बाय टू। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय टू कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय टू तब होती है जब थीटा कितना होता है 120 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो फाइंड करना था वो आ गया, दो बलों के समान बलों के मध्य कोण है 120 डिग्री जब उनका परिणामी क्या हो पी, क्लियर। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, परिणामी बल का मान कितना दे रखा है पी बाय टू, और देखिए नेक्स्ट केस में आर दे रखा है आपको पी बाय टू, ये गिवन है आपको, और दो समान बल यानी पहला भी मैं पी ले रही हूँ दूसरा भी पी ले रही हूँ, तो वही हम बल समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये आपका आ गया पी बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस थीटा। सिमिलरली आप करेंगे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर और टू का स्क्वायर क्या होता है फोर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे टू पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, तो आपका ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन फोर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, क्लियर। तो आपका ये आ गया वन बाई एट इज इक्वल टू दिस। अब आप इसे यहाँ पे माइनस करेंगे, वन बाई एट माइनस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका आ गया माइनस सेवन बाई एट इन। और अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा कितना हो गया, आप कॉस को यहाँ ले जाएंगे कॉस इनवर्स सेवन बाई एट। तो इस तरीके से आपने दो समान बलों के मध्य कोण को ज्ञात कर लिया, पहला केस जब परिणामी बल का मान दे रखा था पी और दूसरा केस जब परिणामी बल का मान दे रखा था पी बाय टू, क्लियर। अब ऐसा एक छोटा सा पोर्शन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये अच्छे क्वेश्चन से ही और ये प्रैक्टिस से ही आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं अगर आपको डिटेल थ्योरी बताया तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है किसी बिंदु पर लगे दो बलों का योग 18 न्यूटन है, उनका परिणामी जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है परिमाण में 12 न्यूटन है,
बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्लियरली दे रखा है कि एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, जैसे O पर P और Q लग रहे हैं, और P प्लस Q का मान कितना दे रखा है, 18 न्यूटन। पहले हम देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठीक है। अब हमें कह रखा है कि एक जो परिणामी बल है वो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और परिणामी बल का मान कितना दे रखा है, 12 न्यूटन। तो सपोज़ कीजिए ये परिणामी बल है, अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, पी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तो आपको ओ सी दे रखा है 12 न्यूटन, ओ सी और पी के बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अब मैं अगर ट्राइंगल ओ ए सी, ए ओ सी ट्राइंगल मैं कंसिडर करूँ, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दो भुजा के स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए सी कितना आपको दे रखा है, क्यू, तो क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को यही रखेंगे, पी स्क्वायर को ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए इसको मैंने लिखा है क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी इज इक्वल टू 144। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, देखिए पहले तो हम क्यू प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, 18, क्योंकि ये हमें गिवन है, ओके। तो ये देखिए मैंने Q प्लस पी की जगह रख दिया 18, ये देखिए Q प्लस पी की जगह मैंने 18 रखा, तो Q माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 144, तो Q माइनस पी मेरा कितना आ गया, 8, ओके। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी जो कि गिवन थी कि दो बलों का मान का योग कितना है, 18। तो दो इक्वेशन मिल गई मुझे, एक क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 18, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 8। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, मुझे कहीं पर भी कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये प्लस प्लस है, तो 2q आ गया इज इक्वल टू 18 प्लस 8 26, तो क्यू आपका आ गया 13 न्यूटन। तो अगर Q आपका 13 न्यूटन है तो आप P का मान निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए Q की वैल्यू, या फिर गिवन इक्वेशन में। तो सपोज़ कीजिए मैंने इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट की 13, तो मेरा P कितना आ गया, 5 न्यूटन, क्लियर, 5 न्यूटन P आ गया। कैसे, आप P को यहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, और 8 को यहाँ पे लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो P आपका आ गया 5 न्यूटन। तो क्लियर है, हमारे दोनों बलों का मान आ गया, एक पी और एक क्यू। पी है स्मॉलर फोर्स जिसका हमारा आया है 5 न्यूटन, और बिगर फोर्स का आया है 13 न्यूटन, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, दो बल 120 डिग्री के कोण पर क्रियाशील हैं, उनमें से बड़ा बल 800 न्यूटन का है, परिणामी छोटे बल के समकोणीय हैं, छोटा बल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ सिमिलर सा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आप देखें दो बल हैं, सपोज कीजिए एक 800 न्यूटन है, हमें बड़ा बल दे रखा है, और छोटा बल का कहा है कि वो परिणामी बल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर। और पी और क्यू के बीच का एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हो, कहीं पे भी अप्लाइड मैकेनिक्स से किसी और सब्जेक्ट में भी, सबसे पहले आपको जो जो गिवन है क्वेश्चन में आप वो लिख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करना है और फाइंड क्या करना है। देखिए जैसे इसमें दो बलों के मध्य कोण दे रखा है 120 डिग्री, यानी पी और क्यू के बीच जो कोण है 120 डिग्री, वो मैंने लिख लिया। फिर दे रखा है एक बल का मान, सपोज़ कीजिए क्यू का मान दे रखा है 800 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा मान रहे हैं कि जो कोण बना रहा है परिणामी बल वो क्षैतिज बल के साथ बना रहा है, तो P के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री विद H विद R, ठीक है। अब हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है Q
क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। थीटा कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री। थीटा वो एंगल है जो परिणामी बल बल के साथ बनाता है किसी एक, क्लियर। और अल्फा वो एंगल है या वो कोण है जो दो बलों के मध्य होता है। तो 800 साइन 120, पी प्लस 800 कॉस 120, तो 1090 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, 1/∞ कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमेरिकल में चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया। अब 1/∞ क्या होता है? ज़ीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू पी प्लस 800 कॉस 120। देखिए अगर ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, क्लियर। तो पी कितना आ गया आपका? पी आप यहीं रखे रहने दीजिए और यहाँ पे ले जाइए, -800 कॉस 120 डिग्री क्या होता है? -1/2। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, -1/2, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 800 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी पी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 400 न्यूटन, क्लियर। तो ये आपका आ गया मान, आंसर। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, एक बिंदु पर 20 न्यूटन एवं 40 न्यूटन के दो बल परस्पर 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं। यदि 20 न्यूटन का बल संपीड़न एवं 40 न्यूटन का बल तनाव में हो तो उनका परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या कह रखा है, क्या क्या गिवन है। ओ पॉइंट पर दो बल लग रहे हैं 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, क्लियर। अब 20 न्यूटन का जो बल है वो कंप्रेशन में है, तो इसे मैंने माइनस साइन से इंडिकेट कर दिया। संपीड़न के जो हम बल होते हैं हम उसे माइनस ले सकते हैं, ठीक है, और तनाव के जो बल होते हैं हम उन्हें प्लस ले सकते हैं, क्लियर। या फिर हम उनकी दिशा इस तरीके से, दिशा को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि देखिए ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये 20 न्यूटन एरो अंदर की तरफ है ओ पॉइंट पर, और 40 न्यूटन जो लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, क्लियर। 40 न्यूटन लग रहा है बाहर की तरफ जो कि तनाव को दर्शा रहा है, और 20 न्यूटन अंदर की तरफ जो कि संपीड़न को दर्शा रहा है। और इसमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इन दो बलों के मध्य कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री, क्लियर। इन दो बलों के मध्य कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब हम OC डैश इज इक्वल टू R जो कि हमें एक्चुअली निकालना है, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं एक चतुर्भुज बनाना चाहूँ, तो देखिए ये B डैश आपका आ गया, C डैश A, ये आपका परिणामी बल आ गया, R डैश, क्लियर, ये आपका R डैश आ गया। अब अगर आप देखें तो ये आपका 40 न्यूटन हो गया, देखिए, ठीक है, ये आपका, ये परिणामी बल हो गया, ये 40 न्यूटन है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी तो ये भी 40 न्यूटन हो गया, क्लियर। और अगर अब मैं ये एंगल निकालना चाहती हूँ कि इस 40 न्यूटन जो कि तनाव में है और ये 20 न्यूटन जो कि कंप्रेशन में है, इनके बीच का कोण कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 न्यूटन, क्लियर। तो आपका कितना आ जाएगा? 120 न्यूटन। 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू पुट करें, आप यहाँ पे थीटा की जगह आप अल्फा भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दो बलों के बीच का जो हम कोण है वो हम अल्फा ले रहे हैं, तो आप इसे अल्फा कर सकते हैं। 20, अब हम इनके सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज पुट किए और दो बलों के बीच का कोण 120 डिग्री लिया है। ये सॉल्व किया मैंने, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करने पे आया अंडरवुड 1200 यानी 20√3, तो आर आपका कितना आ गया? 34.64।
यानी परिणामी बल का मान आपका आ गया 34.64। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स में, उसमें मैं आपका पॉलीगन लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लूँगी। इसमें जनरली जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स लेंगे पॉलीगन लॉ और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से। ओके।